अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज। मैं हूं मोहम्मद मालिक। सबसे पहले माजरत, एक टेक्निकल हिच थी। पानी के ऊपर भी बात करेंगे आज हम, और ख़ास तौर पे जब कल भी हमने पानी पे प्रोग्राम किया, फिर स्पेशल ट्रांसमिशन भी की, तो हमारे पूरे मुल्क में सिर्फ पानी की बात हो रही है। तो वी स्टार्टेड डूइंग सम नंबर्स, और जब नंबर देखे तो पता लगा कि जो इस मुल्क में पानी बेचा जा रहा है वो कितना बड़ा बिजनेस है। बिलियंस ऑफ रुपीज़, अरबों रुपये पर मंथ का ये कारोबार है, छोटा कारोबार नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे अभी आपको मैं डिटेल आपसे शेयर करूंगा, सबसे ज़्यादा कसूरवार ये नहीं कि कंपनीज़ के दो नंबर काम कर रही हैं, जो जायज़ काम कर रही हैं दूसरे, ये हमारे लॉज और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जिसको वो काम करने चाहिए थे वो नहीं है। वो मैं भी आपसे शेयर करूँगा कि किस तरह अरबों का नुकसान हो रहा है और किस तरह अरबों का पानी जो है मुफ्त में तमाम मल्टी नेशनल्स और दूसरी कंपनीज ले कर बेच रही हैं और पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा, और उस मुल्क में जहाँ पे 84% लोग साफ पानी उनके पास नहीं है, जहाँ पे 2.5 लाख बच्चा हर साल पानी की वजह से 5 साल से नीचे पानी रिलेटेड बीमारियों की वजह से मर जाता है, जहाँ पे 3/4 तमाम हॉस्पिटल एडमिशंस वाटर बोर्न डिजीज़ की हैं, जहाँ पे मिनिमम 1.5 से 2 बिलियन डॉलर सालाना सिर्फ आपका डायरेक्ट मेडिकल एक्सपेंस है पानी की वजह से। ख्याल ये था कि यहाँ पे पानी एक बहुत बड़ा इशू होगा हमारे प्लानर्स के लिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए, सो कॉल्ड हमारे वाटर एक्सपर्ट्स और वाटर ब्यूरोक्रेट्स के लिए, और साथ ही सियासतदानों के लिए, लेकिन वो ऑब्वियसली नहीं है। इस पर बात होगी, साथ ही बात होगी माफियाज का दौर चल रहा है। गाड़ियाँ बनाने वाली जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, उन्होंने भी एक नया एक प्रेशर शुरू किया। अकॉर्डिंग टू प्रेस रिपोर्ट्स और दूसरे अकाउंट्स मिनिस्ट्री से मिल रहे हैं कि जो जापानीज एम्बेसडर हैं वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि जो साहब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक्ट में अमेंडमेंट आई थी जिसके तहत जुलाई 2018 से जो नॉन फाइलर हैं, जो टैक्स फाइल नहीं करते, वो नई गाड़ी ना ख़रीद सकें। अब सबसे बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे जापानीज़ गाड़ियों का है, कबैल है जौन सा, वो है होंडा, टोयोटा, सुजुकी, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैं और सारी जापानीज़ हैं। तो अब कोशिश ये हो रही है कि ये लॉ में अमेंडमेंट जौन सी है वापस ले ली जाए और नॉन फाइलर्स जौन से हैं उनको अलाउ किया जाए। यहाँ उल्टी गंगा बहने की बात हो रही है, जहाँ से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, फाइल करवाया जाए, वहाँ पे बिज़नेस इंटरेस्ट ये कर रहे हैं। ये क्या ये चीज़ें होंगी? हमने जब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जिस तरह हमने बैक ट्रैकिंग देखी, क्या गवर्नमेंट अब इन चीज़ों में भी बैक ट्रैकिंग करेगी? वी होप नॉट। इस पर हम बात करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब को आज 58 दिन हो गए हैं जेल में, और ऐसे लगता है आगे ही अखबार में फ्रंट पेजेस में देख रहा था पिछले 8-10 दिनों से, वो फ्रंट पेजेस पे वो बात ही नहीं आ रही, वो सेकंड पेज पे चली गई हैं खबरें, अडियाला के बाहर वो मजमे वो नहीं रहे। क्या ये एक टेम्प्ररी लल है? इज़ इट प्रीमेच्योर टू से कि उनकी पॉलिटिक्स चौंसी है बिल्कुल रिसीड कर गई है? और अगर ये दो रेफरेंसेज जिस चल रहे हैं, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स और अलजीज़िया, अगर इसके फैसले खिलाफ आते हैं तो क्या ये बिल्कुल सील हो जाएगी PMLN की पॉलिटिक्स, या इसमें अभी रमक है? ये दो, और चौथा जो JIT बन गई है जरदारी साहब वाले केस में, जो बिलियंस है, वो बहुत ही बड़ा केस है, अभी जो हमें 60-65 अरब आ रहा है, इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्या ये वो दिन तो नहीं आ रहे कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात शायद जेल के अंदर हो सकती है? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साहबी सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया, इरशाद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, और आज आमिर अब्बास साहब, एक्स प्रोसिक्यूटर जनरल NAB। पहले मैं ज़रा पानी की बात कर लूँ, और मकसद क्या था? मैं किसी कंपनी का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये 5-6 टॉप ब्रांड्स वो हैं जो लेजिटिमेट काम कर रहे हैं, जायज़ काम कर रहे हैं, और अगर इस मुल्क के अंदर कोई लूपहोल है, कोई भी कारोबारी कहीं भी आएगा तो अगर उसको पैसे बनाने का मौका मिलता है वो बनाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उनमें सिर्फ एक कंपनी जो है वो अपने एक प्लांट से, अभी लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं, दूसरी मैं बाकियों को छोड़ें, सिर्फ एक कंपनी तकरीबन लाहौर के करीब एक प्लांट से 1 बिलियन लीटर, 1 अरब लीटर हर महीने निकालती है और उसको फिर बेचती है, आपको मुझे हम सब लेते हैं। 2-2.5 अरब का ये कारोबार है एक महीने का, एक प्लांट का। अब इसमें अब सारे 5-6 बड़े अब जब प्लांट्स बना लेते हैं, हम अरबों रुपये का पानी की बात कर रहे हैं, अरबों रुपए के मुनाफे की बात कर रहे हैं, और ये इसमें वो पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा जो इन डिफरेंट कंपनीज की और अदर प्रोडक्ट्स में भी पानी इस्तेमाल हो रहा है ज़मीन से निकाल के, एब्सोल्युटली फ्री। यही कंपनी जब काम करती हैं दुबई में, यही कंपनी जब बात कर रही हैं दूसरे का, इवन इंडिया पैसे देती हैं।
इवन अफ्रीका में जो ये कंपनीज काम कर रही हैं वहाँ भी ये पानी के पैसे दे रही हैं. लुट पड़ी हुई तो सिर्फ पाकिस्तान में, बट अगेन आई डोंट ब्लेम देम, आई ब्लेम द ब्यूरोक्रेसी या प्लानर्स. साफ़ी हम बाकी आएंगे, लेकिन ये जो हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बैठे हुए जो हर चीज़ पॉलिटिशियंस पर डालते, तो इनसे कौन पूछेगा क्यों रूल्स नहीं है? कॉमन सेंस की बात है, पूरी दुनिया में आप अरबों रुपये कमा रहे हैं, 100 बारी कमाएं, बिल्कुल जायज़ कारोबार है, लेकिन उनसे कोई पूछता ही नहीं है, कोई उनको फ्री छुट्टी दी भी है? देखिए मालिक, मैं तो सच्ची बात है कि इकोनॉमी को भी ज़्यादा नहीं समझता, और इस तरह के मामला जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं समझता. लेकिन ये बात मैं भी समझ रहा हूँ कि नंबर वन कि जो ये इस तरह की लूट मची होती है तो उसमें ज़्यादा कसूर खुद हमारे ब्यूरोक्रेट का भी होता है. लूपहोल है वो. अच्छा, दूसरा एक तो पाकिस्तानी सरमायाकार या सरमायादार होता है, वो तो कुछ ना कुछ नज़र भी आता है कि भाई वो किस तरीके से हमारी हुकूमतों को और पॉलिसियों को इन्फ्लुएंस करता है. लेकिन खुसूसन जो मल्टीनेशनल्स हैं वो जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं, एक तो ये कि उन्होंने जो अपने बंदे रखे होते हैं वो ब्राइब करते हैं इदारों को भी, सियासतदानों को भी. अब तो उन्होंने एक नया तरीका इख्तियार कर, पॉलिसीज ना बन पाए नहीं, कि उनके मुलाजिम होते हैं या जो पहले से उनके एडवाइज़र होते हैं ऑफिशियली वो डिक्लेयर हो जाते हैं कि उन्होंने उस इदारे को छोड़ दिया है. वो लोग आ जाते हैं सियासत में या हुकूमत में, और उधर अमलन वो उसी मल्टीनेशनल कंपनी के मफादात को प्रोटेक्ट करता है. ये आप अगर एंग्रो के टर्मिनल का मामला देख लें कि वो किस तरीके से अलाट हुआ है, उसमें भी आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी. फिर ये भी मसलन अगर यहाँ पे आपने, मैंने तो इस पे काम नहीं किया, लेकिन आपने जिस तरह फरमाया कि भाई अगर अफ्रीका में या बाकी मुल्कों में यही कंपनियाँ होती हैं पैसे देती हैं, वो उनको पैसे देती हैं. बदकिस्मती ये है कि पहले जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वो तो एक दूसरी इंतहा होती है. मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी मकामी सरमायादार को भी प्रोटेक्ट किया जाता था और मल्टीनेशनल को भी किया जाता था. और मुझे तो अब नई हुकूमत के बारे में भी ये डर है, क्योंकि पीटीआई और उसको यहाँ तक पहुँचाने पे जिन मुख्तलिफ सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट की है उसमें एक बड़ा उसमें कॉरपोरेट सेक्टर की और मल्टीनेशनल की भी इन्वेस्टमेंट है. लेकिन सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर तो हमेशा ही हर जगह ही लगाता है पैसे, चाहे अमेरिका का इलेक्शन हो चाहे पाकिस्तान, वो हर जगह लगाता है, तो लगाता है. लेकिन इस मामले में निस्बतन हमें वो रेशो ज़्यादा नज़र आता है. अभी देखने बहरहाल ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो इस हुकूमत के लिए चैलेंज है. और ये आज मैं दूसरी एक चीज़ सुन रहा हूँ, मसलन आज ये तफसील आपने ना, आज मेरे पास एक बंदा आया हुआ था, वो मुझे सेक्टर सिगरेट इंडस्ट्री का बता रहा था कि हमारे एक तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी जगह पे, उनके तो टैक्स और उसके मामलात चल रहे होते हैं और रिसेंटली भी उनको किस तरह सहूलत दी. दूसरा मुझे उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हमारे ये जो लोकल, और अब बदकिस्मती से कि उनमें बहुत सारे लोग सूबाई हुकूमत में भी आ गए और कौमी असम्बली में भी बैठ गए, जो हमारे मर्दान में, सवाबी में, बाकी जगहों पे, वो किस तरह टैक्स चोरी करते हैं, किस तरह बड़े ब्रांड, मसलन अगर एक बड़े ब्रांड का सिगरेट बन रहा है तो वो तो हुकूमत को टैक्स भी दे रहा है और बाकी मदों से भी हुकूमत आ जाता है. ये यहाँ पर जाली बनाते हैं, यहाँ से ले कर आज मुझे मसलन उसमें मुझे कि भाई कुछ उन्हीं लोगों ने आज़ाद कश्मीर में वो बना दी हैं डब्बे, जो है सबसे ज़्यादा उनकी जो ओरिजिनल डब्बे वो चोरी होते हैं. तो ये पानी पे आपने काम किया होगा, लेकिन मुझे आज वो बता रहे थे तो मैं हैरान हो गया कि किस तरह उसकी मद में हर साल हमारी सरकार बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान. भट्टी साहब, मैंने फिर दूसरे सब्जेक्ट में जाना है वेरी क्विकली. ये 200 अरब से ज़्यादा का कारोबार है, साल का मजाक नहीं है, मिनिमम मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स 200 अरब से ज़्यादा कारोबार है. बिलियंस ऑफ लीटर्स पानी का निकल रहा है कौम का, और प्योरीफाई होके ट्रीटमेंट करके वही वापस बेचा जा रहा है. सिर्फ जो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट है वही आपके लग रहे हैं. व्हाट डू वी डू? बिकॉज हम, मैं तो इस इशू को लेकर चलना है कि जब तक गवर्नमेंट की इस पर पॉलिसी नहीं आती दिस इशू कैन नॉट बी इग्नोर्ड. वो अल्हम्दुलिल्लाह आप यानी किसी भी फील्ड में चले जाएँ, कोई भी शोभा उठा लें, ये मुल्क नहीं लगता, मासी का वेड़ा लगता है कि जो आए जिसका. और ये जो हम हर रोज़ सियासतदानों को मार मार के हर रोज़ बातें कर कर के, जो असल खराबी की जड़ है वो हमारे ये जकूटे जिन हैं, ये जो बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे इन कंपनियों में होते हैं, जिनके भाई इन कंपनियों में होते हैं, जो ये खुद कंसल्टेंट होते हैं, जो दौरे करते हैं, एक डॉक्टर को 4-4 गाड़ियाँ मेडिकल वाले देते हैं. और ये पानी आप देखें उस मुल्क में हो रहा है कि जिस मुल्क में, जो मुल्क दुनिया के टॉप 10 ममालक में है, केप टाउन, कलकत्ता और कराची उसके बाद ये, और टॉप 10 मुल्क में जिनको पानी का, जहां लोगों ने कहना शुरू किया है
کہ آپ بھی مارشل لا لگاؤ یہاں. سر یہ پانی کی قحط سالی تو ہم تیسرے نمبر پہ آ گئے ہیں واٹر اسکیئرسٹی کا، تیسرے نمبر. یہ اس ممالک میں اس ملک میں ہو رہا ہے کہ جہاں وہ جیسے وہ وزیر اعظم نے کہا کہ 6500 کیوبک میٹر تھا پانی، اب 1000 پہ آ گیا اللہ کے فضل سے، اور یہ 81% اس ملک کے لوگ جو غریب لوگ ہیں وہ فضلے بھرا پانی پی رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کر رہے ہیں. اور اس اور پچھلے سال میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا، پچھلے سال سب سے زیادہ بچے جو مرے ہیں وہ پانی کی وجہ سے، اس پانی، گندے پانی کی وجہ سے. اور لاہور میں ہر چوتھا بندہ جگر اور معدے کا مریض ہے اس پانی کی وجہ سے. اور 90% الحمدللہ پانی سیلاب کا اور بارشوں کا سمندر میں چلا جاتا ہے، زیر زمین. یہ چھوڑے یہ چکوال میں، آپ نے، ہم نے اس پہ کئی مرتبہ کہا، چکوال میں سیمنٹ فیکٹریاں دیکھ لیں، اگر ایک پانی کے گیلن کے لیٹر 25 پیسے رکھیں تو 7 ارب کا وہ ہر 3 مہینے میں پانی لے جاتی ہیں، اور کون کرے گا؟ میں حساب لگا رہا تھا رائے صاحب، آن این ایوریج اگر آپ 15 روپے آپ کی ایوریج لیٹر کی کاسٹ آ رہی ہے، ویریس ہے نا، 5 لیٹر کی بوتل کے علیحدہ ہے، 1.5 لیٹر کی بوتل ہے، پھر 19 لیٹر کی بوتل ہے، جو اس طرح سارا. تو اگر 15 کے حساب سے بھی ہو، آپ صرف 1 بلین لیٹر کو ملٹیپلائی کر دیں، یہ ایک جگہ کی پروڈکشن ہے، ہم بلینز کی بات کریں. ویری کوئکلی لیجسلیشن سے مشکل ہے؟ دیکھیے مالک صاحب، لیجسلیشن کس نے کرنی ہے؟ اسمبلی کے ممبرانس نے کرنی ہے. اسمبلی کے ممبرانس کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی یہاں پہ کام کر رہی ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو شیئر گورنمنٹ کو جانے کے بجائے کہیں اور نہیں ٹریول کرتا ہوگا؟ یہی وہ وجوہات ہے کہ جب فیک بینک اکاؤنٹس بنتے ہیں، اس میں پیسے آتے ہیں، ان نون سورس سے آتے ہیں، نکلتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، کک بیکس ہوتی ہیں، فیسلٹیز ہوتی ہیں، دیز آر دا ایشوز. یہی آپ ایف بی آر کو اس لیے بلیم نہیں کرتا کہ اگر میں ایک بزنس ہاؤس ہوں، میں دیکھتا ہوں ایک ملک میں اپرچونیٹی ہے، میں وہاں جا کے کاروبار کرتا ہوں، آپ نے لوپ ہول چھوڑا ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں 4 ملک ہیں وہاں مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں، میں پاکستان میں آتا ہوں مفت پیسہ مل رہا ہے، میں جائز کام کر رہا ہوں. اس کو ہم، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی کوئی رشوت ہے. نہیں نہیں بالکل، کمپنی کو بلیم نہ کریے، نکائش تو پلاننگ تو ہماری ناقص ہے. جی آپ نے بلیم کرنا ہے ایف بی آر کو، جس کا کام ہے ٹیکسیشن کا، آپ نے بلیم کرنا ہے وہ پلاننگ ڈویژن، جہاں ابھی تک لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ وہاں ایکسپرٹس ہیں، وہ بتائیں گورنمنٹ کو، بتائیں ایگزیکٹلی. جو آپ یقین کیجئے کہ میں ذاتی طور پہ ایسے آفیسرز کو جانتا ہوں کہ جو مختلف محکموں میں کام کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ایس آر اوز بناتے ہیں، نوٹیفیکیشنز بناتے ہیں، پالیسیز بناتے ہیں، دا ڈے دے گیٹ اپروڈ وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا ریزائن ہے، ہم اس تنخواہ پہ آئے تھے یہ کام کرنے کے لیے، اور اسی ملٹی نیشنل آئی کمپنی میں اور بڑی فارمس میں وہ جا کے چیف ایگزیکٹو یا اس کی پوزیشن پہ وہ چلے جاتے ہیں یہاں سے اپنے ڈاکیومنٹس اور اپنی پالیسیز بنوا کے. دس از واٹ ہیز بین ہیپننگ. اور یہی بات ہے کہ جس کو آپ نے چیک کرنا ہے، اگر اس کو چیک نہیں کریں گے، محض ایک نعرہ دے دیں گے کہ جی ہم نے کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے، آپ نے کرپشن کو جی سوئس پیسے لانے ہیں، دس از ناٹ ایریڈیکیشن. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے سیونگز اپنے ملک میں کرنا ہے، آپ نے ریوینیو ادھر سے جنریٹ کرنا ہے. آج میں ہی کہ پڑھا تھا کہ جی نہیں آپ 80 روپے، یہ 100 روپے کا جو کارڈ ہے اس پہ 20 روپے کا ٹیکس لگا دے، قوم تیار ہو جائے گی سیکریفائز کے لیے. قوم تیار ہوگی کہ جب آپ سیکریفائز لیں گے ان بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی سے جو ہمارے ملک سے بلین ٹیکس دیتی ہیں، اس میں تو آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے، پورے ٹیکس ٹیکس دیتی ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جاپان والے ادھر گاڑی کر رہے ہیں کہ وہ نان فیلر کا ہٹا دو، یہ اب جاپان میں سوچ سکتا ہے؟ میں پرسنلی، یہ جاپان میں سوچ سکتا ہے؟ میں بہت پرو بگ بزنس ہوں، بگ بزنس اب آتا ہے، نوکریاں لاتا ہے، انویسٹمنٹ لاتا ہے، ٹیکنالوجی لاتا ہے، سب کچھ لاتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ جائز کام کر رہے ہیں. میرا تو گلہ اپنے لوگوں سے ہے کہ ہم نے پالیسیز اگر نہیں بنائی ہوئی تو ہم دوسرے کو کیوں الزام دیتے ہیں؟ لیکن یہ مجھے صرف، یہ جو کمپنی آ کے کہہ رہی ہے کہ نان فائلر کو لینے دیں، یہ جاپان میں کر سکتے ہیں؟ میرا صرف اتنا سوال. نہیں کر سکتے سر. آپ کے یوکے میں 28-30% ٹیکس دیتے ہیں جو بھی وہاں پہ کمپنی کام کرتی ہے، یہاں پہ وہ کہتے ہیں 5% ٹیکس دے دو، 5% کمیشن دے دو. بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. بتائیں کہ یہ اب جو کیسز چل رہے ہیں ایگزیکٹلی اب کیا سٹیٹس ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 58 دن ہوئے، ایک ڈاؤن ورڈ سائیکل، بالکل ڈیمپننگ ہوتی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی سیاست. شاید لوگ دیکھ رہے تھے، پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ این آر ہو جائے گا، پھر بہت سے لوگوں کا خیال تھا، جیسے میں پارٹی کے لوگوں سے بات کرتا ہوں، کہ شاید کوئی بیلز ہو جائیں، نہ این آر او ہوا، بیل کا بھی لگتا ہے ابھی کوئی چانس ابھی ریسنٹ جلدی شاید نہ ہو. اور اگر ایک آدھا فیصلہ اور آ گیا
कब तक एक्सपेक्टेड है अजीजी और इसमें मालिक साहब दो केसेस चल रहे हैं, एक तो ट्रायल में चल रहे हैं अजीजिया और फ्लैगशिप का, वो ऑलमोस्ट कंक्लूजन हो गया। अब इनका अपना वही पुराना पैटर्न चल रहा है कि जी क्रॉस एग्जामिनेशन अननेसेसरी डिले की तरफ ले जा रहे हैं, कभी एक दरखास्त दे देते हैं कभी दूसरी, बट टू बी फेयर उनका राइट है, क्यों ना करें, राइट है, वी नो बिकॉज इट्स बीन लाइक थ्री डिकेड्स, हम भी देख रहे हैं कि जजेस इतना लंबा क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउ नहीं करते, रेपिटिशन को अलाउ नहीं करते। आपने वहां क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी ये वर्ड है, वो जज कहता है कि जी ठीक है आखिर में कंक्लूजन पे देख लेंगे, आप उठाते हैं हाई कोर्ट चले जाते हैं उसको लंबा करने के लिए। अब इसमें रह क्या गया है, इसमें रह क्या गया है कि जी वाजिद जहा की स्टेटमेंट है और उसके बाद एक विटनेस की और स्टेटमेंट में खत्म, उसके बाद इसने भी कंक्लूड हो जाना अल अजीजिया एंड फ्लैगशिप। अच्छा, फ्लैगशिप में मैं एक में वाजिद जहा की स्टेटमेंट कंप्लीट भी हो चुकी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट केसेस, अब इसमें जो ये दो केसेस हैं इसमें भी अगर पैटर्न वही रहा कि उनसे पूछा गया कि जी कोई आप डिफेंस लाना चाहते हैं, कोई मनी ट्रेल देना चाहते हैं, कोई बताना चाहते हैं कि 16 कंपनीज इधर से पैसा जो ट्रांजैक्शन हो रही है अबू धाबी में, अबू धाबी से हो रही है आपके वहां के राइवेंट के बैंक अकाउंट्स में, ये पैसा किसका है कैसे आया, अगर वो आंखें बंद करके कहते हैं हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है बच्चों ने भेजा, उनसे जाके पूछिए, तो फिर भी इसका फेट वही होता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरा रह गया अल अजीजिया का, अल अजीजिया में इनका कहना था कि जनाब हमने वो जो अबू धाबी में दुबई में जो फैक्ट्री थी उसको बेचा, उसका स्क्रैप माल उठाया हम ले गए, उसका जद्दा ले गए। अब उसका अगर जबानी तो इन्होंने कह दिया, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते और एविडेंस प्रोड्यूस डिफेंस में नहीं करते तो जज तो मजबूर है कि वो ये देखेगा कि प्रोसिक्यूशन ने जो चीज ले आई रिबटल में कुछ नहीं आया उस पर एक फैसला आ जाएगा। अब रहेगी कि इनकी जो अपीलें लगी हुई है, अपीलें जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में है उसमें उन्होंने एक लगाई हुई एप्लीकेशन रिट पिटीशन की जी इसको सस्पेंड किया जाए जिस वक्त तक के अपील सुन नहीं जाए। अब नॉर्मली जो सस्पेंशन होती है जिसमें बेल ग्रांट होती है वो एक या दो या तीन मैक्सिमम पेशियों से ज्यादा नहीं चलती। अब इनके लॉयर्स ने इतना डीपली चले गए अंदर के उसको खोल दिया है, आई मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली कोर्ट से कहेंगे कि जी हम ये पूरी अपील को ही सुन लेते हैं, अपना डिटेल में जो सुन लिया हम अपील पर फैसला कर देते हैं कि आया ये जो कन्विक्शन हुई थी ये दुरुस्त हुई थी। अगर तो वो कहते हैं दुरुस्त हुई थी तो अपील खालिज, दे हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट कहती है नहीं ये कन्विक्शन प्रोसिक्यूशन का तो केस बनता ही नहीं था, ये जीआईटी की कोई हैसियत नहीं थी, जीआईटी एक एडमिसिबल, क्योंकि उनका पूरा केस जीआईटी के गिर्द रिवॉल्व करता है कि जीआईटी का जो एविडेंस है इसको आप साइड पे कर दें तो फिर इक्विटल हो जाएगा, फिर बेल की भी जरूरत नहीं होगी। और इसका फिर ये होगा कि अगर इन केस इक्विटल होता है तो यही जीआईटी है इसका उन दो केसेस। तो इन द मीन टाइम अगर लेट्स से यहां इक्विटल होता है दूसरे में फैसला आ जाता है और उसमें कन्विक्शन हो जाती है तो फिर भी अंदर ही रहेंगे, फिर भी बाहर नहीं जा सकते। हाँ बाहर तो फिर भी नहीं आएंगे लेकिन फिर उनका उस केस में बेल का। अभी जो आसिफ जरदारी साहब वाली जेआईटी बनी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बार क्यों नहीं किया? हाँ दिस इज अ वेरी बिग जेआईटी क्योंकि मैं जो जाती तौर पे पैनामा केस को भी मैंने छह महीने दिए ये किया वो किया, इसमें टाइम लिमिट्स क्यों नहीं है, इसमें सुपरवाइजिंग जज क्यों नहीं है? हाँ इसमें टाइम लिमिट इसलिए नहीं मेरे हिसाब से क्योंकि अब तो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये उन्होंने इस पे अभी मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने डिसीजन देना है कि क्यों नहीं है, बट सीमिंगली इट सीम्स कि ये जो केसेस है इसमें इतनी लेयरिंग डे बाय डे नजर आ रही है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 35 बिलियन, इट वेंट टू 50, इट वेंट टू 100, पहले एक कंपनी ओमनी ग्रुप नजर आया, अब कोई 15-16 कंपनीज आ गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि अगर ये इसके जो मैग्नीट्यूड है ये अगर बढ़ता ही जा रहा है तो आपका ख्याल है कि वहां पे जो केस था वो सीमिंगली एक ओपन शट केस था, ये ज्यादा फील्ड है, चार फैक्ट्स हैं इसका आप बता दीजिए, चार फैक्ट्स हैं ये क्योंकि अभी इवॉल्विंग केस है। This is a big case. This is much many times a bigger case than क्योंकि इसमें आपने खाली उसमें एक फैमिली थी मियां साहब और उनके बच्चे, इसमें अगर ये खुलता है तो इसमें ओमनी ग्रुप, जरदारी प्राइवेट लिमिटेड, इसमें बैरियर, चलो टाइम फ्रेम तो समझ आ गया मुझे, बहुत सी कंपनीज भी आ रही हैं, टाइम फ्रेम तो समझ आ गया, इस पे सुपरवाइजिंग जज क्यों नहीं लगाया? बेहतर नहीं होता लग जाता ताकि कोई लगता कि इवन हंड्रेड का नहीं। आप एक चीज ध्यान में रखिए, सुपरवाइजरी जज जो लगा था ना पैनामा में भी वो एक स्टेज थी कि जब जीआईटी की रिपोर्ट आ गई थी केस चला गया था रेफरेंस के लिए और उन्होंने जो कोर्ट थी ट्रायल कोर्ट उस पर एक मॉनिटरिंग जज लगाया था कि ये जो रेफरेंस है इसमें डिले ना हो, तब इन्वेस्टिगेशन को सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से उसमें कोई भी अमल दरामद वो नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती। जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो जीआईटी की ही पूरी इख्तियारात होंगे और वो अपनी मर्जी से और एविडेंस के मुताबिक करेंगे। या मुझे ब्रेक ले रहा है, फिर सलीम साफी साहब से आगे पूछेंगे। आप जीआईटी की बात पे मुस्कुरा रहे थे तो आपके व्यूज में मुस्कुराहट की वजह आपसे ब्रेक के बाद आगे पूछूंगा। ठीक है जी, पूछ लीजिए। भट्टी साहब क्यों नहीं मुस्कुरा रहे वो भी इनसे पूछूंगा, क्यों नहीं मुस्कुरा रहे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, यही जो अब जीआईटी बनी है, जो जरदारी साहब के ऊपर भी जीआईटी बन गई है, जो केसेस मियां साहब के चल रहे हैं, साफी साहब क्या आपको कोई डिस्ट्रप्शन सी लगती है, कोई तफरीक लगती है दोनों जीआईटी के अंदर? वही सुप्रीम कोर्ट है, दोनों एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसने बनाई है हाई पावर जीआईटी। जी बिल्कुल, एक तो आप हंसी का पूछ रहे थे, तो मैं जब भी ये जो कुछ हो रहा होता है इसके लिए जब हम एहतसाब या अकाउंटेबिलिटी का वर्ड इस्तेमाल होता है तो मुझे उस पर हंसी आती है, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में होता है और उसको फिर हम एहतसाब का नाम देते हैं, तो एहतसाब के लफ्ज़ की इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। क्योंकि मैं जब से सहाफ़त में आया हूँ, मैं शायद सहाफ़त में और सियासत में सबसे ज़्यादा इस लफ्ज़ का सुनता आ रहा हूँ, लेकिन एहतसाब नामी चीज़ मैंने कम से कम अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में आज तक कोई नहीं देखी है। एहतसाब हमेशा इस टर्म को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए, और एहतसाब की रूह यही है, जो आप अगर जदीद दुनिया के महज़ब दुनिया के सिस्टम को देखें या फिर अगर इस्लाम के उसूलों को देखें, कि नंबर वन वो अक्रॉस द बोर्ड होता है, उससे ज़िंदगी का कोई तबका एक्सक्लूडेड नहीं होता, ये एहतसाब की पहली रूह है। दूसरा ये कि वो टॉप टू बॉटम आता है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वो उससे शुरू होता है और नीचे पर कमज़ोर से जाता है। तो एक तो हमने तो यही तो हुआ नहीं, न पहले कभी हुआ है ना आज ये हो रहा है। नवासी वगैरह से कोई स्ट्रॉन्ग था, प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ से शुरू हुआ पाकिस्तान। उसके बाद आपको 300 लोग और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर कितना स्ट्रांग होता है, जो स्ट्रांग इदारे हैं उनका कभी एहतसाब ना हुआ है ना हो सकता है। ठीक, आज अभी आप देख रहे थे ना, अभी हम कह रहे हैं जरदारी के साथ ही, और जरदारी के साथ क्यों ऐसा होगा? देखिए, एक होता है मुकम्मल लाडला, जो मुकम्मल लाडला होता है वो माफ़ होता है, वो मुशर्रफ के दिनों में भी मसला। मुझे साफ़ी एक भी बात है, ये बड़ा इजी है इस तरह करना। सिंध में किसको नहीं पता किस तरह फरियाल तालपुर साहिबा गवर्नमेंट चलाती हैं, किस तरह अब्दुल गनी मजीद अनवर मजीद के साहबजादे जिस तरह चलाते थे। मैं तमाम ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर से बात करता हूँ, किस तरह अनवर मजीद साहब ने लोगों के साथ क्या क्या नहीं किया हुआ, चीजें सामने आ रही हैं। टप्पी क्या करता रहा, मुजफ्फर टप्पी हाँ। क्या करते रहे, तो हम ये कह दें नहीं तो शर्जील मेहमून साहब क्या करते रहे, बिलियंस घरों से निकल रहे। मैं तो कहता हूं, अगर वो पकड़े जाते मैं तो कहता हूं जवाब देता, अगर अगर मियां साहब पकड़े गए, अगर मियां साहब पकड़े, मेरी गुजारिश तो सुन ले, मेरा सवाल है, ऑल दे हैड टू डू वाज के अपनी मनी ट्रेल दे दें। ठीक ठीक है ना, मनी ट्रेल नहीं दी, अंदर हो गए, इसका इदारों से फलाने से क्या ताल्लुक है यार? अच्छा मेरी नहीं दे सके। अच्छा मेरी गुजारिश सुने ना आप, किस बिल्कुल मैं मानता हूँ किसको नहीं पता कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप करप्ट है, इसी तरह मैं ये भी मानता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी करप्शन में मुलव्वस है। मेरा ये भी ईमान है कि पीटीआई की लीडरशिप भी करप्शन में मुलव्वस है। तरीक़ वारदात सबका मुख्तलिफ है, लेकिन सब है नंबर वन। लेकिन किसको नहीं पता कि इस पीपल्स पार्टी के साथ अपनी सियासी मजबूरी के तहत परवेज़ मुशर्रफ ने एनआरओ किया, किसको नहीं पता कि पिछले इलेक्शन से पहले डील के नतीजे में जरदारी साहब को फैसिलिटेट किया गया, ये सब चीज़ें इलेक्शन से पहले क्यों नहीं हो रही थी? देखिए जो लाडला है उस वक्त ये मेरा सवाल है, चले मैं एक सवाल आपसे करता हूँ फिर मैं भट्टी साहब को बुलाता हूँ। आप मेरा पहले जवाब नहीं सुने ना, आपने मेरा जवाब नहीं सुना। मेरा सवाल ये है, हाँ मैं एक वजीर आजम बनना चाहता हूँ, लेट से आप बात करें, मैं कहता हूँ लोग ये कहते हैं जी फौज के साथ उनकी लग गई, मैं वजीर आजम बनना चाहता हूँ या मैं अभी पब्लिक ऑफिस में आना चाहता हूँ, मुझे आके पार्टी कहती है जी आप एक्स वाई जी हमारी बातें माने वरना आप ना करें, लेकिन मेरे पास दो रास्ते हैं, या मैं डट के खड़ा हो जाऊं या मैं घर चला जाऊं। ना मैं डट के खड़ा होता हूं, पहले मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं, तबाह के माल बनाता हूं, जब मेरा एक चीज पकड़ी जाती है उस दिन मैं जमहूरियत के लिए खड़ा हो जाता हूँ, उस दिन मैं प्रिंसिपल्स के लिए खड़ा होता हूँ। आपको कोई मजबूर करता है कोई मेरी गर्दन पे कोई बंदूक रख के मेरे से करप्शन नहीं करवा सकता? यही हालत है, ईमानदारी करवा सकता, करप्शन नहीं करवा सकता? जनाब मैंने तो आपसे अर्ज किया ना कि जरदारी की भी ये हालत है, नवाज शरीफ की भी ये हालत है, इमरान खान की भी ये हालत है, लेकिन उसके साथ, और ये बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि जब ये पकड़े जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए जब नवाज शरीफ पिछले 4-4.5 सालों का हुक्मरान था तो सबसे ज़्यादा मैं उनके खिलाफ लिखता और बोलता रहा, ठीक है, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि एक बंदा है जो आपका लाडला बन जाता है तो फिर ठीक है उसकी चोरियों पे भी पर्दा, उसकी सब चीज़ों पे भी पर्दा। नवाज शरीफ के ये मामला तो आज से पहले भी थे ना,
زرداری صاحب کے آج سے پہلے بھی تھے نا, لیکن جب وہ آپ کا مغزوب بن جاتا ہے تو پھر اس کا احتساب بھی شروع ہو جاتا ہے سب کچھ. معاملے پہلے تھے نا, آپ نے ایک منی لانڈر کو پریزیڈنٹ نیشنل بینک بنایا ہوا تھا, دوسرا کو آپ نے چیئرمین لگا دیا تمام ایف بی آر کا, پھر آپ نے جو چیئرمین نیب لگایا اس نے آپ کے خلاف کیس نہیں چلنے دیے. اچھا تو پھر اچھا ایک منٹ, یہ کہنا کہ پانچ سال کچھ نہیں ہوا, یہ سب کچھ کس تحت کریں گے؟ مائن کے تحت کریں گے نا. پرویز مشرف کے پاس تو یہ اختیار تھا کہ پورے ملک سے وہ شفاف لوگوں کو الیکٹ کرے نا, نہ آئین کی پابندی تھی نہ اسمبلی کی پابندی تھی. انہوں نے ان چودھریوں کو اور ان سارے لوگوں کو انہوں نے حکومت میں دیا, اس کو صاف کیا, یہ سب کچھ کرتے رہے. پھر دوسری بات, آج قانون ان کے لیے بھی ہونا چاہیے نا. یہ عدالت ہے, یہ سب چیزیں پرویز مشرف کے معاملے میں کیوں بے بس ہے؟ میں اور آپ بھی نہیں, آپ ان سے نہ پوچھیں. یہ ایک بات میری اور بھی سنیں نا, جتنے اسپیڈ سے یہ ساری چیزیں ہوئی, اسی لاڈلے وزیر اعظم صاحب کا پارٹی فنڈنگ کا کیس کب سے چل رہا ہے, اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ آج وہ باقی لوگوں سے کہتے ہیں کہ پھر پیسے بھجوا دے. ان کے جو ہے سارے کیسز آ کے ہائی کورٹڈ اور وہاں پہ رک کیوں گئے؟ چلے اس میں بات کرتے ہیں. بڑی صاحب پہلے جو بتائیں, یہ جو اعتصاب پہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی فلانا ادارہ یہ ہے, فلانا ادارے نے یہ نہیں کیا, جس کو میں واٹ اباؤٹزم کی تھیوری کہتا ہوں. کہ جب میں آپ کی بات کروں, آپ کہیں واٹ اباؤٹ راجا صاحب, میں راجا صاحب سے بات کروں گے, وہ کہیں جی واٹ اباؤٹ صافی صاحب. کہیں سے تو شروع ہونا ہے. جب آپ سلیکٹو چلیں گے نا تو آپ چوروں کو مظلوم بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں چوروں کو مظلوم نہ بناؤ. میں لاجک میں سمجھ نہیں آتی کہ جی آپ نے اس سے شروع کیا, اس سے کیوں نہیں کیا؟ جو آ رہا ہے, جو آیا اس کو رگڑی جاؤ. آپ اب انور مجید آ گئے, زرداری صاحب آ گئے, پکڑے جائیں. تو مشرف آیا ہوا تھا, اس کو کیوں نہیں رگڑا گیا؟ اس کو کیوں بچا کے لے جایا گیا؟ پہلی بات, یہ بڑا ایک خوبصورت ساتھ میرا نہیں خیال. مشرف کو سنیے, یہ بڑی بچایا تھا بھائی جان. یہ بڑی خوبصورت سی تھیوری ہے, بڑی خوبصورت سی تھیوری ہے کہ مشرف کیوں چلا گیا. ہم چھوڑ دیتے ہیں بینظیر بھٹو, مشرف کو جب ملتی تھی اس کو بھی چھوڑ دیں, برگیر نیاز کے ذریعے نواز شریف سے رابطے میں رہتے ملتا تھا سارے. نہیں نہیں, چھوڑ دیں وہ تو اس وقت ٹھیک تھا, جمہوریت کی بالادستی تھی, وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں گیلانی صاحب نے مشرف سے وہ حلف لیا, صاحب کا تعلقات نواز شریف صاحب سے. نہیں نہیں, وہ ان کے ذریعے نواز شریف صاحب. ہم یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اور سارے نون لیگ کے وزراء نے اسی مشرف سے کالی پٹیاں باندھ کے اوتھ لیا, یہ بھی جمہوریت کی بالادستی چھوڑ دیتے ہیں. بھائی جان پہلے انہوں نے یہ مجھے دکھ یہ نہیں ہے کہ مشرف کو آنا چاہیے, مشرف کو ٹرائل فیس کرنا چاہیے, کیونکہ اگر نواز شریف کر سکتا ہے, زرداری کر سکتا ہے, وہ بھی پارٹی کا سربراہ ہے, اس کو کرنا چاہیے. لیکن دکھ کیا چیز ہے, ایک پارٹی نے گارڈ آف آنر دیا, سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا, دوسری پارٹی نے بھیجا, 35 دن فائل پڑی رہی شاید خاقان عباسی کی ٹیبل پر بینچ کے لیے کہ بینچ کے سائن کر دو, اس نے سائن نہیں کیے. اور یہ مسلیگی کہتے تھے اپنی میٹنگز میں, یہ تو ہمیں لڑنا پڑتا ہے مقدمہ, ہم لڑتے رہے, وہ چپ کر کے بیٹھ رہے کپڑوں میں. احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ نہیں تھے, یہ چلا گیا اگر اس ملک سے تو ہم سیاست چھوڑ کر میں ناروال چلا جاؤں. کہاں چلا گیا ناروال؟ ایک سال رہا, ایک جالی سی وہ جو کون سی فونٹ تھی, وہ جو مریم کی کیلیبری, ہاں اس جیسی فونٹ جیسی ایک درخواست لکھ دیتے. سارے جعلی پولیٹیشین ہیں. عمران خان کو, عمران خان کے بھی ڈسکشن ابھی سنیے. نمبر ون, دوسری بات یہ تو ہم سارے طے کرتے ہیں نا کہ جمہوریت خود احتسابی کا نام ہے, جمہوریت پرفارمنس کا نام ہے. پیناما یہ لائے تھے, ہند سندھ پانچ ملکوں میں جدادیں, پانچ بر اعظم بنا. اس وقت نہ فوج ہوتی ہے, نہ آئی آئی سی ہوتی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اس وقت ایک ارب جب اسحاق ڈار صاحب کو ملتا ہے ایک شیخ سے, اس وقت فوج کا ڈر نہیں ہوتا. بچے جب وہ سپریم کورٹ, یہ بات سنیے سنیے سنیے, جب مال بنا رہے ہوتے ہیں, سن لیں اس وقت آئیں گا فوج کا ڈر, مالک صاحب نظر آتا ہے, مجبوری ہے مالک صاحب. نہیں, کوئی مجبوری نہیں ہے مالک صاحب, سن لیجئے. جب سپریم کورٹ نے کیا کہا, تین سوال تھے سوا دو سالوں میں, وہ کیس جس کا نواز شریف ڈیفنس نہیں کر سکا اس کیس کا میں ڈیفنس کیسے کر سکتا ہوں. سوا دو سالوں میں تین سوال تھے, پیسے کمائے کیسے, بھیجے کیسے, فلیٹ خریدے کیسے, کوئی جواب نہیں. اپنے گواہ تھے حسن حسین, نہیں بلایا. سن لینا درمیان میں ایسے ہی وہ ٹوک دیتے. قومی اسمبلی میں کہہ رہا ہے میرا لیڈر, میرا محبوب قائد, یہ ہیں جناب علی وہ ذرائع آمدن جس کی وجہ سے میں نے خریدے ہیں. پیناما فوج لے کے آئی تھی اور فوج نے کہا تھا سپریم کورٹ کو خط لکھو,
फौज ने कहा था कि मैं क्या मेरे बच्चों पे भी इल्जाम आ जाएंगे मैं चले जाऊंगा, फौज ने कहा था कि जीआईटी पे इतराज ना करो, फौज ने कहा था कि एहतसाब इस्तिस्ना ना लो, फौज ने कहा था कि एहतसाब अदालत में आके कह दो कि मैंने पता ही नहीं किया है। अच्छा अच्छा आगे सुनने ना, सुन ले सुन ले, मैंने सुन ले सुन ले सुन नहीं अच्छा अच्छा ये हो गया, ये नहीं हुआ, तीन नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, किसी का जवाब नहीं दे सकते, किसी एक चीज का जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा ये छोड़ दो कि फ्लैट आपने 93 में आप इस पे किराए पे रहे, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो कि फ्लैट आपको मिला, और ये कागजात दे दो कि ये कतरियों के फ्लैट थे, वो कागजात भी नहीं है। आ जाए जरदारी साहब पे एक एक दो फिगर, 2010 में ये चलता है, ये इस मुल्क के मासी का वेड़ है, यानी हम ये इसको कह देते हैं उसके खिलाफ हुआ, उसके खिलाफ हुआ, तो ये मकाफात है। कैसा यार, इमरान को पकड़ो, जरदारी को पकड़ो, जिसको पकड़ना है पकड़ो, मेरे कैस मुल्क कैसा डैम के लिए आप लोगों से तावन कर रहे हो, चौनी चौनी कर रहे हो। एक चीज की वजह कर दो, एक तो ये है मुसीबत, ये है क्रॉस द बोर्ड नंबर वन। दूसरी बात ये कि हम तो जब नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बन रहे थे ना, तो उस वक्त भी हम समझते थे कि इनके मामला ठीक नहीं है, ठीक है, ये ना जेन्युइन पॉलिटिशियन है और इनके मामला भी, इनमें करप्शन का भी है। लेकिन हमें उसी तरह जिस तरह आजकल इमरान खान को पवित्र साबित करने की कोशिश की जा रही है ना, हमें कह रहा था नहीं कर रहा साहब, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट कौन है, जनरल ज़ियाउल हक ने उसको निकाला था उस वक्त, ठीक है, याद है मुझे बताओ आप कह रहे कि एस्टैब्लिशमेंट कौन है, क्या चीज है एस्टैब्लिशमेंट। मैं तो एस्टैब्लिशमेंट कहता तो मैं तो कहता फौज और ब्यूरोक्रेसी, फौज और उसके ब्यूरोक्रेसी और उसके इदारे। तो हमें उस वक्त कहा जा रहा था नहीं ये मेड इन पाकिस्तान है, ये मुहिब वतन है। फिर उस वक्त जो है ना उनके जरिए चूंकि बेनजीर का बेड़ा गर्क किया जा रहा था, तो बेनजीर जी करप्ट भी है, वो गद्दार भी है, वो फलां भी है। इस वक्त भी हम ठीक है यहाँ तक मान लिया, हमें ये बता दिया जाए कि मेहरबानी करके कि कल कुछ अरसे बाद अगर इमरान सचमुच प्राइम मिनिस्टर बना तो फिर हमें ये नहीं कहा जाएगा कि ओहो इसके तो बच्चे जो है उधर यहूदी के घर रह रहे हैं, ओहो इसके साथ तो वो जहांगीर तरीन था, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ देखे इस तरीके से चोर मजलूम बनते हैं। देखिए जब जरदारी साहब पहले आपने जेल में डाला ना, मेरा ख्याल है एक मिनट मेरा ख्याल है चौथा मजलूम बनते हैं जब आप उनके लिए ये जब जरदारी साहब के साथ नवाज शरीफ और ज़ियाउल हक और उसके लोग यकतरफा कर रहे थे ना, तो जरदारी को फिर मजीद निज़ामी भी मर्दहुर कहने पर मजबूर हो गया। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर आप अक्रॉस द बोर्ड नहीं करेंगे, मैं नहीं चाहता कि नवाज शरीफ के गुनाह लोग अक्रॉस द बोर्ड क्या होता है, देखिए तो होता है वो भी हो गए ये तो इमरान खान वाला तो अभी सरकार में आए हैं, अभी तो आप देखेंगे कैसे करते हैं। इमरान खान के लिए से पहले मुशर्रफ आपसे जा चुका है, साफी साहब की मुशर्रफ कब आपसे जा चुका है, तो शायद दुरुस्त होगी कि जी माजी में जो नैब का किरदार रहा है उसमें वाकई ही कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जी अब हमने नैब को बंद कर देना है, हमने कहना है कि जी नहीं बिल्कुल ऐसे ही चलते रहें इस मुल्क में। आप देखिए कि जी पहली दफा हुकूमत आई है, जो सबसे बड़ा उसने एक अपनी प्रायोरिटी दिखाई है वो दिखाई है इस मुल्क में स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, इस मुल्क में ड्राउट का जो नजर आ रहा है बंस का, उसने जो बात की है कि अकाउंटेबिलिटी होगी अक्रॉस द बोर्ड होगी, और उसके लिए उसने बोला कि बाबर रवान का उन्होंने रिजाइन दे दिया। जरदारी साहब की या नवाज शरीफ की अकाउंटेबिलिटी ना हो, चूंकि इमरान खान की नहीं हो रही यार, वो टू बी फेयर खुद इमरान खान का वो चल रहा है। देखें टू बी फेयर अलीम, मैं सबसे ज्यादा मैंने क्रिटिसाइज करी अलीम खान को, लेकिन अलीम खान के खिलाफ इंक्वायरी, टू बी फेयर रेफरेंस फाइल जिसके खिलाफ हुआ उन्होंने उसको रिजाइन करवा दिया, exactly. इंक्वायरी शहबाज शरीफ के खिलाफ भी हुई है, वो बैठा हुआ लीडर ऑफ द ओपोजिशन पे, जहांगीर तरीन तो उसी तरह गैर सादिक और गैर अमीन डिक्लेयर किया गया है, तो जिस तरीके से नवाज शरीफ को उसके पास पूरी पार्टी चला रहा है, हुकूमत योदे वो बांट रहा है, तो मियां साहब अडियाला में सजा काट रहे हैं, इतना यार नवाज शरीफ साहब कैसे पार्टी चला रहे हैं, वो तो सजा याफ्ता है जेल में, उसको तो गलत कहते हैं ना आप, तो मैं उसकी बात करूं जिसकी आप लोग तारीफ कर रहे हैं, सदर बना दिया अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने हटाया उसे, पार्टी का सदर बनाया। इसके बारे में आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले के खुद इमरान खान साहब के क्लिप निकाल ले, वही नैब है ना, और ये चेयरमैन साहब ने ये चेयरमैन नैब जरदारी साहब का फेवरेट था, क्या अजीब बातें करते हैं। प्रवेश मुशर्रफ के केसेस में डिले है, क्या वो अदलिया की वजह से डिले है कि क्या वो गवर्नमेंट्स की वजह से डिले है? दो बातें हैं, एक तो जरा ये समझिए कि परवेज मुशर्रफ का केस और जो करप्शन के केसेस हैं, दीज आर इंटायरली टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। करप्शन का मतलब है आपका मेरा
पब्लिक एक्सचेकर का पैसा लूटा है इन्होंने, आईन शक्ति से बड़ी करप्शन कोई नहीं समझता, ठीक है। अब ये अवाम के लिए है कि ये हमारा पैसा लूट के ले गया था। अब परवेज मुशर्रफ का है कि जी उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर उसने छेड़खानी की। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, आपको याद होगा, जब इसके बात आई थी परवेज मुशर्रफ का बाहर जाने का, ईसीएल से नाम निकालने का, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ये जो ईसीएल में रखना या ना रखना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, इट्स अप टू देम कि अपने मुलजिम को वो ईसीएल पे रखना चाहते हैं या नहीं, एंड द फाइल वॉज सेंट बैक। और फिर जैसे आपने कहा कि पड़ी रही और इन्होंने जाने दिया और उसके बाद भी इनकी गवर्नमेंट थी, चौधरी ने सार ऑन रिकॉर्ड पे है, उसके बाद हमने कहा जाए वो अदालतें वारंट्स निकाल रही थी, वो अदालतें वारंट्स निकाल रही थी, एग्जीक्यूट इन्होंने करना था, लेके आना इन्होंने था, रेड वारंट्स इन्होंने निकालने थे, गवर्नमेंट ने डिड नथिंग। अब सिर्फ ये कह दिया कि जी चूंकि परवेज मुशर्रफ नहीं आ पा रहा या नहीं लाया जा सक रहा तो इसका मतलब है इस मुल्क से अकाउंटेबिलिटी खत्म है। एक सवाल और है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 10 दिन 12 दिन की बात की है इसहाक डार साहब को लाने की, वो तो आई थिंक इनके बस में नहीं है, लेकिन क्या शहजाद उसी हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे, टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं बरेसर शहजाद, उन्होंने कहा कि हम 3-4 महीने में ले आएंगे डार साहब को भी और शायद इनके साहबजादों को भी, नवासी साहब के, इज दैट रियलिस्टिक? देखिए अभी मुझे नहीं पता है क्योंकि उसका केस जो भेजा गया था वो इंटरिम गवर्नमेंट में जो एक रिक्वेस्ट भेज दी गई थी आया, वो रिक्वेस्ट में आपने एविडेंस भी भेजना है, आपने उनको डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं कि जनाब आपने उनको कन्विंस करना है पेरिस में, ये जो रेड वारंट्स एग्जीक्यूट होते हैं ये पेरिस से चलते हैं, वहां पे आपको, मैं आपसे कहता हूं कि शहजाद साहब को भी पता होगा कि वहां पे बहुत बड़ी बड़ी एक्सट्रेडिशन की लॉ फर्म्स है, यू नीड टू हायर दोस एक्सट्रेडिशन लॉ फर्म्स, हम जो टॉप के दो एक्सट्रेडिशन फर्म्स हैं हम उनको हायर कर रहे हैं, अगर वो हायर कर रहे हैं तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि उसको 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह में ना लाया जा सके, बिकॉज द ओनली ऑप्शन इसहाक डार है इसके, वो वहां पॉलिटिकल असाइलम की बात करेगा। आप लॉयर भी हो प्रोसिक्यूटर भी, वेरी क्विकली, थोड़ा टाइम है सबसे, मैं 1-1 मिनट पूछूंगा, किस चीज से तासुर खत्म किया जाए कि अकाउंटेबिलिटी सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्या हो के तासुर खत्म हो? मैं तो समझता हूं कि अब ये आए हैं, इन्हें सबसे पहले जो अकाउंटेबिलिटी का लॉ है उसमें अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, उसमें कुछ फ्लॉज नैब लॉज में, मसलन ये कि जो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट है, सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी की बात उसी से शुरू होती है ना कि उसके ऊपर के लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन लेके आ जाते हैं, फिर वो अपने जो लाने वाले उसमें चेंज कर दें, उसमें कह दें कि जी इसको हम एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल का जो है उसके पास इख्तियार दे रहे हैं, वो इसको अपॉइंट करेगा, या उसमें बहुत सी चेंजेस हैं, दे शुड ब्रिंग द चेंज, फंडामेंटल चेंजेस, उसके बाद उसमें ले आए चेंज कि जी 10 करोड़ से कम नैब हाथ नहीं लगाएगा किसी को, ये सिर्फ मेगा करप्शन के केसेस करेगा, उसके बाद प्ली बार्गेन उसमें से खत्म करें, उसके बाद अरेस्ट मैंडेटरी करें, ये पिक एंड चूज ना हो चेयरमैन नैब की कि एक को उठा लिया, एक को 3 महीने रख लिया, एक के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट पावर्स कम होनी चाहिए चेयरमैन नैब, ये अमेंडमेंट्स कर ले, नहीं कर पार्लियामेंट में देर लगती है, एक ऑर्डिनेंस ले आए, ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस, डू इट एंड देन गो टू द पार्लियामेंट। क्या अकाउंटेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही, देखें ना आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं हो रही, ये कह सकते हैं कि उसकी नहीं हो रही इसकी नहीं, ये नहीं कह सकते कि वो उसका हुआ तो उसका हुआ तो उसका हुआ तो उसका, ये मुल्क मेरा है भाई, मैंने रहना इस मुल्क में, ऑडिटर जनरल ने कहा 274 अरब किया सिंध वालों ने घपले पिछले माली साल में, मैं चुप कर जाऊं, एक लापता 626 गाड़ियों पर 1 अरब सालाना की सालाना की उस पर सर्विस जा रही है और पेट्रोल जा रहा है, लापता 626 गाड़ियों, मैं चुप कर जाऊं, 35,000 कबीना के इजलास दुबई में हो रहा हूं, मैं चुप कर जाऊं, क्यों? इस वजह से कि वो उसकी वजह से नहीं, जो जो आता है नेट में लग रही है, करना चाहिए। और दूसरी बात, नैब चेयरमैन किसने लगाया था? अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी और नून ने। वेरी क्विकली, जिन जिन लोगों का ये जिक्र कर रहे हैं, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, ए हो, बी हो, सब के मैं कहता हूँ कि पेट पाड़ के उनसे कौम की लूटी हुई नौलत निकालनी चाहिए। लेकिन मैं इस मुल्क में तब कहूँगा कि कोई अदालत है, कोई निज़ाम इंसाफ है, जब रावनवार जैसे लोगों को भी सज़ा मिले। मेरे कुरान में ये कहा गया कि एक इंसान का बेगुनाह कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, करप्शन वगैरह से कई बड़ा जुर्म है, सैकड़ों इंसान उसने मारे थे, उसके मजलूम बेटे के पास इस मुल्क के सबसे बाइख्तियार बांधे गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। रावनवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या VIP ट्रीटमेंट मिली, उसको वहाँ पर क्या मिली, आज वो दंदनाता फिर रहा है और नकीबुल्लाह का बाप बेचारा जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। मैं किस तरह ये मान लूँ कि इस मुल्क में एहतसाब हो रहा है या इंसाफ हो रहा है? जिस दिन नवाज शरीफ, सलीम साफ़ी, रावनवार और मुशर्रफ से यकसा सलूक होने लगे अदालत में,
तब मैं मानूंगा कि वो एहतिसाब। बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए, बहुत शुक्रिया तीनों का। नाज़रीन, बातें हमने कुछ और करनी थी, किसी और तो चलेंगी खैर, लेकिन मैं सब कंक्लूजन इस पर करूँगा, वाकई अकाउंटेबिलिटी, वॉट अबाउट ज़मीन यूनिटी। मैं तो कहता हूँ जो जो आए जाए दरवाजे के अंदर अकाउंटेबल करी जाए, इस बात पे बेस बहस ना हो कि कौन नहीं हुआ तो इसको तब तक हाथ ना लगाओ जब तक फलाने को हाथ ना डालें, इस तरह नहीं होता। यू हैव टू स्टार्ट वेयर एवर, लेकिन बिल्कुल नैब लॉ में चेंजेस चाहिए, डिस्ट्रिक्शन पावर्स में कमी चाहिए। और जहाँ तक पानी का मसला है, सीरियस मसला है, इस मसले को मैं डेफिनेटली लेके चलूँगा और वी विल नॉट रेस्ट जब तक गवर्नमेंट इस पर वॉर फुटिंग के ऊपर अपनी वाटर प्राइसिंग पॉलिसी नहीं लाती। यहाँ पे अरबों रुपए नहीं कोई कमा सकता, हमारा पानी निकाल के मुफ्त में हमें बेच के। बिल्कुल पानी निकालें, कारोबार करें, लेकिन जो गवर्नमेंट का लोगों का हक है वो खजाने में जमा हो। और इसमें कसूर कंपनीज का नहीं है, इसमें कसूर हमारे वाटर एक्सपर्ट्स का है, हमारे सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी का है और हमारी लीडरशिप का है। दे हैव टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।